नमस्कार दर्शकों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में सोमवार को खंड विकास कार्यालय बबीना के सभागार में 7 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्र द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में ग्रामीण अंचलों की 40 महिलाओं को जूट एवं कॉटन से बनाए जाने वाले सिंगल यूज बैग का सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध होने पर जूट एवं कॉटन से बने बैग ही बाजार में इस्तेमाल किए जाएंगे। इस उत्पाद के विक्रय हेतु डिप्टी कमिश्नर ने झांसी एवं आसपास के बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बात भी कर ली है। बताया गया है कि यह प्रशिक्षण बबीना के 8 स्वयं सहायता समूह की 40 महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया है। प्रशिक्षण के शुभारंभ अवसर पर ADO ISV हरिमोहन, जिला मिशन प्रबंधक नन्हे राम, जिला रिसोर्स पर्सन शाहिद खान, ब्लॉक मिशन प्रबंधक आरती गुप्ता समेत प्रशिक्षिका प्रगति एवं मालती उपस्थित रहीं। नवोदय प्रेस टाइम्स के लिए बबीना से शाहिद खान की रिपोर्ट।